अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी ठीक से बचत कर ही नहीं पाई। लोगों ने मुझे बहुत सलाहें दी, कहा मुझे, समय समय पे समझाया कि वीरा पैसे बचाओ बुरे वक्त में काम आता है। सही कहते थे वो, क्योंकि ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि काश मैंने पैसे बचाए होते तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। पर मालूम है, मेरा एक लॉजिक है। मैंने अक्सर देखा कि जब भी मेरे पास पैसे बचते थे वो किसी न किसी गलत चीज पे खर्च होते थे। यानी जैसे हॉस्पिटल का खर्च, कोई एक्सीडेंट हो जाना, चीजें चोरी हो जाना, चीजें टूट फूट जाना उन्हें रिप्लेस करने में। तो जब मैं ये देखती थी तो मुझे एहसास होता था कि अगर मेरे हाथ में पैसा रुकना लिखा ही नहीं है तो मुझे उसे पॉजिटिव वे में खर्च करना चाहिए, और कहीं घूमने से ज्यादा अच्छा पॉजिटिव क्या हो सकता है। हालांकि जब जब ये लॉजिक मैंने किसी के साथ शेयर किया उसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। पर मैं अपने यकीन में बिल्कुल पक्की हूँ, शायद मेरी डेस्टिनी में ही ट्रैवल है। तो आते हैं वापस दक्षिण भारत की यात्रा पर, 2004 और 2019। 2004 के बारे में तो मैंने आपको बताया कि मैं अपने भाई और अपनी माँ के साथ गई थी, और एक बार फिर से हम कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई इन सब जगहों पे घूमते हुए वापस आ गए थे। पर जो साउथ इंडिया की ट्रिप मेरी और भी ज्यादा यादगार थी वो थी 2019 की, क्योंकि इस बार हमारी जर्नी में मेरी 7 साल की बेटी भी थी, जो कि बहुत शैतान हो चुकी थी, बहुत उछल कूद करती थी और काफी एक्साइटेड थी अपनी प्लेन जर्नी को लेकर, क्योंकि वो पहली बार हवाई जहाज पे बैठने वाली थी। और इस बार मुझे दक्षिण भारत उसकी नजरों से देखना था। तो हमें जाना कहाँ था दक्षिण भारत में? देखिए, लखनऊ से सीधे हमने बैंगलोर की फ्लाइट बुक करी, बैंगलोर से मदुरई, और मदुरई से हमने टैक्सी लेकर के रामेश्वरम और कन्याकुमारी को कवर किया। मैं वीरा अपने पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में एक बार फिर से आपको दक्षिण भारत की ओर ले चल रही हूँ, उस भारत के हिस्से की जिसकी मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ। हालांकि एक बात मुझे हमेशा खटकती है, चाहे मैं 1985 में गई हूँ, या मैं 2004 में गई हूँ, या मैं 2019 में गई हूँ, एक चीज मैंने हमेशा महसूस करी कि नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया में थोड़ा दूर दूर रखा जाता है। इनफैक्ट हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा अलग ढंग से होता है। हाँ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो दुनिया को देख चुके हैं, शायद वो ये भेदभाव नहीं रखते हैं, पर मैंने अपनी हर ट्रिप में इस अलगाव को जरूर महसूस किया है। तो भाई, हम अपनी पूरी सेना के साथ इस बार बैंगलोर पहुंच गए, और बैंगलोर में हमने एयरपोर्ट के पास ही एक शांत सी जगह पर अपनी रात गुजारी। हमारे होटल में फ्रेंच विंडोज थी जिससे पूरा आसमान दिख रहा था, और हर 5 मिनट पे एक हवाई जहाज उड़ता हुआ हमें दिखी जाता था, और दूर तक नजर डालने पर हरियाली ही हरियाली थी। बैंगलोर में पहली बार गई थी। बैंगलोर के ट्रैफिक जैम के बारे में मैंने काफी सुन रखा था, इसलिए हम सिटी के अंदर तो नहीं गए, लेकिन हाँ, शाम को हमने कैब ली और हम वहाँ इस्कॉन टेंपल जरूर गए, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जो मेन मंदिर है उसपे सोने के पानी की कोटिंग चढ़ी है और मूर्तियां भी गोल्डन है। मंदिर में इंतजाम इतना जबरदस्त है कि आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को आराम से ले जा सकते हैं, लिफ्ट से आराम से मंदिर के गर्भगृह तक जा सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत अच्छी पार्किंग की सुविधा है, और स्ट्रक्चर तो मैग्निफिसेंट है। इतना वृहद स्तर पे बना हुआ है ये मंदिर कि दिल बाग बाग हो जाता है। जब हम इस्कॉन टेम्पल पहुंचे थे तो संध्या आरती का समय हो रहा था। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल पहुंचने से पहले हम एक और जगह गए थे बैंगलोर में, वो थी नागवारा लेक, बैंगलोर के आउटर रिंग रोड पे बनी हुई लुम्बिनी गार्डन्स को घेरती हुई। ये लेक तो बहुत ही सुंदर थी, ऑलमोस्ट 40 एकर्स में फैली हुई थी ये लेक, और जगह जगह पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स बने हुए थे।
वाटर पार्क था, बोटिंग करने के लिए सुविधा थी और चलने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बना हुआ था लेक के चारों ओर। हमने यहाँ पे 2-3 घंटे जम के बिताए। शाम का माहौल बहुत ही बढ़िया हो रहा था और फिर वहां से हम इस्कॉन टेम्पल की ओर गए। आप कभी बैंगलोर जाइए ना तो इन दोनों जगह जरूर जाइएगा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा था। खैर, अगले दिन हम मदुरई की ओर रवाना हुए। हमारा प्लेन जब हम पहली बार गए थे तो बहुत छोटा था और उस प्लेन ने हमें अराइवल गेट पे ही छोड़ दिया था, जहां से मैं, मम्मी और भैया वॉक करके चले गए थे। लेकिन इस बार का प्लेन बड़ा था और हमें बहुत ही प्रॉपर ढंग से बस ने अराइवल गेट तक पहुंचाया। बदल चुका था एयरपोर्ट इस बार, लेकिन शहर बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर से पुराने लखनऊ में पहुंच गई हूँ। यहाँ तो लगा ही नहीं कि मैं दक्षिण भारत में हूँ। मदुरई में बिल्कुल वैसे ही हॉर्न बज रहा था जैसे हमारे कानपुर शहर में बजता है, और ड्राइविंग में कुछ ऐसे ही हो रही थी कि लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से कोई भी चला आ रहा था। बड़ा आराम मिला मुझे तो ये सब देख कर। लगा जैसे नॉर्थ इंडिया में वापस आ गई हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। 2004 की यादों को ताजा करते हुए एक बार फिर से हम होटल पार्क इन में टिक गए। वही होटल जिसके रूफ टॉप से हमें मीनाक्षी टेम्पल के चारों गोपुरम दिखाई देते हैं। जैसे हमने चेक इन किया, हम दौड़ के रूफ टॉप पे पहुंच गए और ढेर सारी फोटोज लेने के बाद, दूर से मीनाक्षी टेम्पल को देखने के बाद, हम वापस आ गए अपने रूम में अगले दिन की प्लानिंग करने के लिए। पता है यात्राएं क्यों करना चाहिए? हमारी जो डेली लाइफ है वो एक मोनोटोनस रूटीन बन जाता है, और मोनोटोनस रूटीन जब लाइफ में आता है तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हमें झुंझलाहट होती है, हमारा टेम्पर लूज होता है, हमारा मूड भी उखड़ा उखड़ा रहने लगता है, और उसी मूड को चेंज करने के लिए हम डाइवर्जन्स ढूंढते रहते हैं। पर जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं और जब आपको नई नई चीजें मिलती हैं, तो ये मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है। तो चूंकि सीन चेंज हो चुके होते हैं इसलिए बॉन्डिंग भी बेटर हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम टू टाइम आउटिंग जरूर करनी चाहिए। मैं तो भाई करती हूँ, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली को ही ट्रैवलिंग का रोग लगा हुआ है। वागई नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरई। नाम का मतलब है स्लीपलेस, कभी न सोने वाला। मीनाक्षी टेम्पल के अंदर लगभग 30,000 स्कल्पचर्स हैं और कलरफुल पेंटिंग्स हैं। दीवारों पर, छत पर, पिलर्स पर, आप जिधर भी नजर डालेंगे आपको कलर्स ही कलर्स नजर आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा कलर्स हैं, पर मुझे लगता है जैसे रंगों की होली चल रही है वहां पर। और उस पर से खूबसूरत मूर्तियां, उनके तो कहने ही क्या। एक्चुअली मीनाक्षी टेम्पल मंदिर है शिव, पार्वती और भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु यहाँ माँ पार्वती के भाई के रूप में विराजमान है। इसी मंदिर में 1000 पिलर हॉल भी है। एक्चुअली 985 पिलर्स हैं। जब मैं 2004 में गई थी तब वहां पे म्यूजियम नहीं बना हुआ था, इसलिए वो पिलर्स जिनमें से 7 स्वर निकलते हैं हमने वो बजाकर देखे थे। लेकिन इस बार जब हम गए तो उस हॉल को म्यूजियम में चेंज कर दिया गया है। 12वीं शताब्दी के आसपास बने हुए इस मंदिर की खासियत ये है, इस मंदिर में आपको 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे और हर मंदिर की अपनी एक कहानी होगी। एक बार फिर से मीनाक्षी अम्मा के मंदिर जब मैं गई तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा होता अगर रात की आरती के दर्शन हो जाते हमें। आपको पता है वहां पर टिकट लेके दर्शन करने पड़ते हैं और भीड़ हमेशा चलती रहती है, यानी आप रुक कर आराम से दर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको बस जाना होगा और दर्शन करके लाइन से बाहर आना होगा। पर मेरा भाग्य देखिए, इधर मैंने मन में ये सोचा उधर हमारी लाइन को रोक दिया गया ठीक मूर्ति के सामने, क्योंकि आरती का समय हो रहा था।
तकरीबन 45 मिनट के लिए हमारी लाइन वहीं पर रुक गई। मैं तो आराम से फर्श पर बैठ गई और मैंने सबको इशारा किया कि तुम लोग भी आराम से फर्श पर बैठ जाओ। सामने मीनाक्षी माँ की आरती हो रही थी, रात की आरती। मैंने कहा इसका आनंद लो, इसका आनंद तो हम सबको लेना ही चाहिए। तो वो 45 मिनट हमने वहीं लाइन में नीचे फर्श पर बैठकर बिताए, आरती सुनते हुए, और फिर देवी के दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ गए। अब तो मीनाक्षी टेम्पल के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत ढंग से सड़कें बना दी गई हैं, ढेर सारी दुकानें भी लग गई हैं, आने जाने की भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। जब मैं 2004 में गई थी तो इतना व्यवस्थित नहीं था, पर जैसे मैंने कहा, दक्षिण भारत में व्यवस्थित ना होने का मतलब भी हमारे यहाँ से बेहतर व्यवस्था होना है। तो इस बार मीनाक्षी टेम्पल का मैनेजमेंट और भी बेटर हो गया था। मीनाक्षी टेम्पल बहुत खूबसूरत है। अगले दिन हम लोग रामेश्वरम की ओर बढ़े। एक बार फिर से हमने टैक्सी हायर करी। इस बार रोड्स तो बहुत ही खूबसूरत हो गए थे। बहुत ही अच्छा लगा जब हम एक्सप्रेसवे पे फिसलते हुए रामेश्वरम बहुत ही आराम से पहुंच गए। वही गवर्नमेंट लॉज में हमने दोबारा अपना ठिकाना लिया। एंड यू नो व्हाट, गवर्नमेंट लॉज के जो रूम्स थे वो भी रिवैम्प हो चुके थे, काफी अच्छे ढंग से फर्निश हो चुके थे। भाई मजा आ गया देखकर हमको तो। एक बार फिर से हमने रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करे। और आपको बताऊं, 2019 में जब मैं गई तो मैं दिवाली के टाइम पर गई थी, तो दिवाली की रात मैंने रामेश्वरम के मंदिर में बिताई थी। और वहां पर दिवाली नहीं मनाई जाती है, वहां पे सिर्फ दिए जलाए जाते हैं, वो भी इक्का दुक्का। पर एक बात थी, मंदिर में बहुत ज्यादा शांति थी जब हम गए थे। अगले दिन हम धनुषकोटी तक गए। धनुषकोटी वही जगह है जहां से राम सेतु कहते हैं दिखाई पड़ता है, जो कि श्रीलंका तक जाता है। राम सेतु तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, तैरते हुए पत्थर जरूर मुझे दिखाई पड़े, जो जगह जगह छोटे छोटे मंदिरों में स्थापित किए हुए थे। एक्चुअली ये टाउन एक डेरेलिक्ट टाउन है, मतलब बियाबान जगह है। बिल्कुल एक सीधी नोक की तरह से सड़क चली जाती है और दोनों तरफ समंदर है और उसके आगे कुछ भी नहीं। बरसात का मौसम था तो वो जो नुकीली सड़क समंदर के अंदर तक चली गई थी, उस पर जाकर खड़े होने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि दाएं ओर से और बाएं ओर से दोनों ही ओर से समंदर का पानी उस सड़क पर आ रहा था। डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था। धनुषकोटी में पहली बार गई थी। थोड़ी देर तक तो बादलों ने हमारे साथ अटखेलियां करी, पानी भी बरसा, हम खुश हो गए ये सब देख करके। और अचानक बादल कहीं गायब हो गए और फिर सूरज चमकने लगा जोर से। इसी के साथ टाइम शुरू हो गया पसीना बहाने का। तो हम पसीना बहाते हुए वापस रामेश्वरम के अपने गेस्ट हाउस में आ गए। अगला दिन था कन्याकुमारी की ओर बढ़ने का। रास्ता बहुत खूबसूरत हो चुका था, एक्सप्रेस वे हो चुका था, रोड बिल्कुल मक्खन जैसे, और जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम भी था। कन्याकुमारी में हमें सी साइट पर ही एक बहुत अच्छा होटल मिल गया, जहां से विवेकानंद मेमोरियल दिखाई पड़ रहा था। अब तो उसके बगल में एक और बड़ी मूर्ति खड़ी हो चुकी है, पर पहले 2004 में जब मैं गई थी तब वो वहां नहीं थी। कन्याकुमारी में एक बार फिर से वेदर ने हमारा पूरी तरह से साथ दिया। रात को हम सब ने अपने बालों में गजरा लगाया। मेरे भाई ने गजरा नहीं लगाया, पर मेरी बेटी ने, मेरी माँ ने और मैंने, तीनों ने गजरा लगा करके कन्याकुमारी में खूब घुमाई करी। और कन्याकुमारी का वो मंदिर जहां पर लड़कों को शर्ट उतार कर जाना होता है, वहां पर हमने दर्शन भी किए। और फिर हम पीछे के रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए वापस आने लगे। सनसेट का टाइम था, घटा घोप बादल अचानक से आ गए और फिर वो जम करके पानी बरसाने लगे। कन्याकुमारी में बैक साइड पर एक 3 मंजिला टावर बनाई गई है, उसे सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है।
उस इमारत पर आप चढ़िए तो आपको इतनी हवा लगेगी कि आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो पानी में भीगते हुए हम सब उस टावर पर चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पहुंच गए, और तीसरी मंजिल पर पहुंचकर हमने अपने चारों ओर सिर्फ समंदर ही समंदर देखा। बहुत ही खूबसूरत ठिकाना बनाया है ये। थोड़ी देर बाद नजारे लेने के बाद हम धीरे धीरे नीचे उतरे और सामने तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक हैंडीक्राफ्ट्स का म्यूजियम था, जिसके सामने छोटे छोटे स्टॉल्स थे। वहां बैठकर भीगे हुए हम सब ने गर्मा गर्म बॉर्नवीटा का मजा लिया। भाई ये चीज तो मैंने पहली बार देखी। चाय मिल जाती है, कॉफी मिल जाती है, लेकिन गर्मा गर्म बॉर्नवीटा? तो बारिश की भीगी बिल्लियां हम सब गर्मा गर्म बॉर्नवीटा पीते हुए समंदर को निहारते हुए कन्याकुमारी में उस शाम को गुजार रहे थे। और इस बार मैं अपने साथ कन्याकुमारी और रामेश्वरम की यादें लेकर लौटने वाली थी। बच्चे तो सड़क पे खूब धमाल करने लगे। हाँ, मेरी माँ पर तब तक अल्जाइमर्स का काफी असर हो चुका था, तो वो काफी धीरे धीरे वॉक कर रही थी, लेकिन शायद उनको भी मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि 2019 तक वो हमसे बातें करना बंद कर चुकी थी। पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमें बता रहे थे कि वो उस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रही हैं। ये तो मेरी दक्षिण भारत की यात्रा थी जो मैंने दो पार्ट्स में आपके साथ शेयर करी, मेरी दुनिया विद वीरा इस पॉडकास्ट में। अगली बार मैं आपको एक और एडवेंचरस जर्नी पर ले चलने वाली हूँ, और ये जर्नी है मुनस्यारी की, उत्तराखंड में मुनस्यारी। वही बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, सुनिएगा जरूर। तो अगली बार मिलने तक मेरा इंतजार करिए, और जो पॉडकास्ट आप सुनते हैं आपको अच्छे लगते हैं आप मुझे फॉलो करिए, औरों के साथ शेयर भी करिए। और जो मेरी रिदम ऑफ लाइफ है, जहां मैं जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही हूँ अपनी रिदम में, उसको महसूस करिए और अपनी जिंदगी को और भी लाजवाब बनाइए।